वेलकम टू ऑल द व्यूवर्स टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ महेश नागर। और आप जानते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि काफ़ी कुछ सोचने के बाद मैंने आज वापस से वीडियो डालने का सोचा है। ठीक है, नेक्स्ट जो सीरीज़ आएगी वीडियोस की, एक के बाद एक वीडियोस, उसके बाद आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। काफ़ी दिन सोचने के बाद आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी छोटा रहेगा, लेकिन अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलेगी। सबसे पहली चीज़ है कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है या जीवन में जो भी लोग हैं, उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि उनके कैरियर को चूज़ करने की, हम कहाँ पर जाएँ, क्या करें। तो एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि किसी भी लाइन में आप जा रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो जीवन में, हर एक चीज़ में लगन, मेहनत, ईमानदारी और निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप टीचर है, चाहे आप लॉयर है, चाहे आप सीए हैं, चाहे आप इंजीनियर है, चाहे आप डॉक्टर है, व्हाटएवर जो भी आप है, जो भी फील्ड आप चूज़ कर रहे हैं, हर एक फील्ड में कंटिन्यूटी के साथ आपको वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। जब तक आप लगन, मेहनत और ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, आपको कहीं पर भी सक्सेस हासिल नहीं हो सकती है। तो काम कोई सा छोटा हो सकता है, कोई सा बड़ा हो सकता है, तो वो आपकी नज़रों में हो सकता है, बाकी अगर आप उसको लगन, ईमानदारी और मेहनत से करेंगे तो आप भी उसमें बड़े बन सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने करियर को चूज़ करने से पहले कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस पर आपको फोकस करना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए का आंसर हो सकता है आपको धन चाहिए, दौलत, धन दौलत चाहिए, नाम शोहरत चाहिए, ठीक है, प्रसिद्धि चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये आपको निर्णय लेना होगा। दूसरा ये है कि आपको कब चाहिए। जैसे सबसे पहले आप देखिए कि आपकी एज कितनी है। मान लो आपकी एज 15 साल है, 16 साल है, 18, 20, 22, 24, 26, जो भी आपकी एज है, उस एज में अगर आप डिसाइड कर रहे हो अपने करियर को चूज़ करने का, तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको कब चाहिए। जैसे आप 15 साल के, तो आपने देखा कि 21 साल का जब हूँ तो मेरे पास ये चीज़ें होना चाहिए। अगर आपको जो चाहिए वो आपको किस उम्र में मिल जाना चाहिए, कितने साल का आपके पास टाइम है, उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा। तीसरा जो सबसे, ये भी बहुत अहम सवाल है, और तीसरा क्वेश्चन ये है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि कितना चाहिए। हर एक व्यक्ति को जो है वो अनलिमिटेड चाहिए होता है, लेकिन फिर भी आपको एक डिसाइड तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने सुना होगा लालच बुरी बलाएँ होती है। जनरली लोगों को जो चाहिए होता है वो इतना चाहिए होता है कि आप खुद का फैमिली को ठीक से मेंटेन कर सके, अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे आने वाले हैं इन फ्यूचर में उनको आप संभाल सके, कल को कोई बीमार हो गया सडनली तो सडनली आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, इतना धन आपके पास, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। फाइनली जो मैंने रिसर्च करी और फाइनली जो मैं पहुँचा हूँ एक पॉइंट पर, वो पॉइंट ये है कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप कुछ भी चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है, एकमात्र जो एम होता है, मेन एम, वो होता है अर्निंग मनी, पैसे कमाना आपका उद्देश्य होता है। तो पैसे कमाने के लिए किस तरह की एजुकेशन, ये बात अलग है कि किसी को डॉक्टर बन के पैसा कमाना अच्छा लगता है, किसी को इंजीनियर बन के पैसा कमाना अच्छा लगता है, किसी को लॉयर बन के पैसा कमाना अच्छा लगता है, किसी को मंत्री वगैरह यानी कि पॉलिटिक्स में जाकर अच्छा लगता है। तो आपकी सेकेंडरी चीज़ जो है वो दूसरी हो सकती है, लेकिन प्राइमरी जो चीज़ होती है वो मनी ही होता है। प्राइमरी जो फैक्टर है आपके करियर को चूज़ करने के लिए, वो फर्स्ट पॉइंट आता है मनी, कि कहाँ पर कितना पैसा मुझे मिलेगा। जनरली हम उन पोस्ट को चुनते हैं या उन जगहों को चुनते हैं जहाँ पर पैसे ज़्यादा हो, जहाँ पर हमें पैसे ज़्यादा मिलने वाले हो, हम उस प्रोफेशन में जाने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप जाने से पहले आपको पैसा चाहिए, तो पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत अनगिनत मौके हैं और अनगिनत रास्ते हैं। जो ज़रूरत है आपको करने की वो कुछ अलग करने की है। अलग कैसे, जैसे कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं और ये बैकग्राउंड है वाइट, वाइट बैकग्राउंड पे अगर आप वाइट चॉक से या वाइट कलर से कुछ भी लिखेंगे तो वो दिखेगा नहीं। अगर आपको बताना है कि यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कलर को चूज़ करना पड़ेगा। अब इस पे कलर आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ब्लैक कलर से लिखेंगे तभी वो दिखेगा, आप ग्रीन कलर से लिखेंगे तब भी वो विजिबल होगा, ब्लू कलर से लिखेंगे तब भी वो विजिबल होगा, या अदर कोई कॉम्बिनेशन ले लें कलर का तभी वो दिखेगा।
तो अगर एक व्यक्ति किसी काम को किसी तरीके से कर रहा है जो कि बाकियों से अलग है, वो सक्सेस हासिल कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसी का तरीका अपना कर आप भी वो काम करने लग जाओ। आप उससे थोड़ा सा अलग हुए। जिस तरह से एक व्यक्ति ने वाइट जो बैकग्राउंड है उस पर ब्लैक अक्षरों में कुछ लिख रखा है, अगर आपको भी कुछ लिखना है तो आप ब्लू कलर का यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं। कुछ कलर्स इस पर फेड नज़र आएंगे और कुछ कलर इस पर हाईलाइटेड नज़र आएंगे। जैसे ब्लैक कलर का यूज़ किया तो बहुत हाईलाइटेड, मतलब उसको ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। अगर आप इस पर येलो कलर का यूज़ करेंगे तो उसका वो थोड़ा फेड दिखेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आप उस कलर के कॉम्बिनेशन को किस तरह से चूज़ करते हैं उसी पर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है, कि आप किसी काम को कितने अलग तरीके से कर रहे हैं उस चीज़ पर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ आपकी मेहनत, ईमानदारी, लगन ज़रूरत है। फोकस अपने काम पर बनाए रखिए। आप हर घड़ी अपना फोकस अगर बदलेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। फिर अब बात आती है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है एकमात्र उद्देश्य के लिए चलते हैं, वो है पैसा। क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं आपको छोटी सी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। तो पैसा जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको सेटिस्फेक्शन तो देगा, लेकिन जो इनर सेटिस्फेक्शन चाहिए यानी कि आंतरिक संतुष्टि आपको चाहिए, वो आप किस पोस्ट पर है, किस जगह जाते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उससे आपको मिलेगी। सिर्फ पैसा जो है वो आपको लाइफस्टाइल नहीं दे सकता, सिर्फ पैसा जो है वो आपको पर्सनालिटी नहीं दे सकता, सिर्फ पैसा है जो आपको इनर पीस नहीं दे सकता है। तो आपको वो चीज़ चूज़ करना है कि जहाँ पर आपको शांति मिले, जहाँ पर करने पर आपको खुशी होती है। पैसा तो वहाँ से भी आ सकता है। एक ठेला लगाने वाला डेली सब्जी बेचने वाला भी पैसा कमाता है, एक व्यक्ति जो कि खेती में किसानी काम करता है वो भी पैसा कमाता है, एक लॉयर भी पैसा कमाता है, एक पुलिस वाला भी पैसा कमाता है, एक टीचर भी पैसा कमाता है। दुनिया का हर व्यक्ति जो काम कर रहा है वो पैसे कमाते हैं, लेकिन सबके तरीके अलग अलग है और सभी लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे एक प्ले को अगर आपको एक्ट करना है स्टेज पर तो उसके लिए आपको अलग अलग किरदारों की ज़रूरत होती है। सेम उसी तरह से पैसा कमाने के लिए अलग अलग रोल है और सभी की ज़रूरत है और सभी का काम जो है वो आप करके और अर्निंग कर सकते हो। तो डिसीजन आपको लेना है। आने वाले वीडियोस में मैं जिस वे को चूज़ करके आजकल अर्निंग कर रहा हूँ वे भी मैं आपको बताऊँगा, लीगल वे और सारी चीज़ें। देखिए, मैं किसी ऐसे फंडे के बारे में आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा जिसके बारे में आपने सुना नहीं हो कभी। मैं बिल्कुल उन तौर तरीकों के बारे में और उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो कि आपके अंदर होना चाहिए जिससे कि आप सक्सेस हासिल करें, एक सक्सेसफुल पर्सन कहलाएं। तो सभी व्यूवर्स से मेरा रिक्वेस्ट है, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि अब केवल ये चैनल जो है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं रहा जो कि 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ते हैं, बाकी इससे हटकर उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं और जीवन में जो लाइफ को सेट करना चाहते हैं, इवन अर्निंग करना चाहते हैं, मनी अर्न करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं अलग अलग थॉट्स, अलग अलग चीज़ें लेके आऊँगा, वो वेज आपको बताऊँगा जहाँ जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। कोई एक तरीका नहीं है पैसे कमाने का, बहुत सारा तरीका है। तो बहुत सारे तरीकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, उसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। कोई नई चीज़ जो आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ उसके ऊपर, तो डेफ़िनेटली मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप अपने सभी लोगों के साथ अब इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ही काफ़ी होती है, और वो क्या है ये मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।